दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यामा की अपकमिंग बाइक यामा R125 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यामा की XSR 155 को काफ़ी लंबे टाइम से इंडिया में इंतज़ार किया जा रहा है, बट ये बाइक इंडिया को छोड़कर कई सारे देशों में लॉन्च कर दिया गया है और अभी तक इस बाइक को लॉन्च कर लेकर इंडिया में कोई भी अपडेट नहीं है। लेकिन यामा ने अपनी XSR 155 वाले लुक के साथ एक न्यू बाइक को ग्लोबली लॉन्च करने जा रही है, जिसका नाम यामा कंपनी ने XSR 125 रखा है और इसको इस साल के एंड में वर्ल्ड वाइड लॉन्च कर दिया जाएगा। इसमें आपको 125cc का सिंगल सिलेंडर वाला इंजन देखने को मिलेगा, जो 10,000 RPM पे 14.9 PS का पावर जनरेट कर देगी और 8,000 RPM पे 11.5 Nm का टॉर्क जनरेट कर देगी। इसमें VVA दिया गया है, मतलब वेरिएबल वैल्यू एक्चुएशन सिस्टम दिया गया है, जिससे आपको टॉप स्पीड अच्छा मिल पाए। डायमंड फ्रेम बेस पे ये बाइक होने वाली है और डुअल डिस्क के साथ ये बाइक लॉन्च होगी। बाद में इसमें सिंगल चैनल ABS ऐड किया जाएगा। फ्रंट में 292mm का डिस्क साइज देखने को मिलेगा और रियर में 220mm का डिस्क प्लेट का सेटअप देखने को मिलेगा। सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोर्क सस्पेंशन देखने को मिलेगा, रियर में मोनोशॉक एब्जॉर्बर को लगाया गया है। और वहीं अगर इसके टायर साइजेस की बात करें तो फ्रंट में 100x80 17 सेक्शन के टायर देखने को मिलेगा, रियर में 110x70 17 सेक्शन के टायर देखने को मिलेगा। न्यू XSR 125 में एक चीज़ थोड़ा सा अलग होने वाला है, वो ये है कि जो XSR 125 है वो XSR 155 से 10mm टॉलर है, मतलब 10mm लंबा है XSR 155 से XSR 125। मीडिया रिपोर्ट की माने तो ऐसा अपडेट आ रहा है कि इस बाइक को इंडिया में भी बहुत जल्द लॉन्च किया जाएगा, KTM की ड्यूक 125 और बजाज की NS125 को कड़ी टक्कर देने के लिए। यामा XSR 125 के अगर प्राइसिंग की बात करें तो इसका एक्सपेक्टेड एक्सोरूम प्राइस 1 लाख के ऊपर होने वाला है। तो दोस्तों अब हमें देखना है कि ये बाइक इंडिया में कितनी जल्दी लॉन्च होती है, क्योंकि XSR 155 का तो वेट काफी लंबे समय से कर रहे हैं बट वो तो इंडिया में लॉन्च नहीं हो रही है। कम से कम ये XSR 125 को इंडिया में लॉन्च कर दिया जाए। तो दोस्तों मुझे जहां तक लगता है कि XSR 155 के जो डिटेल्स है वो आप सभी को पता होगा, क्योंकि इतने डिमांडिंग में ये बाइक है और इतने वीडियो इस पे बने हुए हैं, तो मैं उस चीज को इसमें कवर नहीं करने वाला हूँ कि हमारे XSR 155 में क्या कुछ मिलने वाला है।